हाय एवरीवन दिस इज इज शाली बैक टू शान क्लासेस कैसे हो आप सब मैं उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे गर्मी तो बहुत है फिलहाल लेकिन पढ़ाई तो करनी है क्यों इसीलिए मैं क्लासेस भी आपका जो टाइम लिमिट है वो बीस मिनट इक्कीस मिनट पच्चीस मिनट कर रही हूँ ताकि आप भी आइए थोड़ा सा पढ़िए इंट्रैक्ट होइए बहुत बोरिंग ना लगे ना आपके लिए बर्डन पड़े ना मेरे लिए क्योंकि अभी बहुत गर्मी का माहौल है और इतनी गर्मी में पढ़ाई नहीं होती है ठीक है फ़िलहाल कोई नहीं जो पढ़ना चाहे वो आराम से पढ़ सकता है ये नहीं ब्लेम करेगा कि मैंने कहा है ओके आज के इस क्लास में हम यहाँ पर साइंस का सब्जेक्ट लेकर चल रहे हैं ठीक है ये हमारी साइंस की क्लास है तीसरी क्लास हमारे ख्याल से ये है इससे पहले मैंने दो क्लास आपको साइंस की करवा दी है ठीक है अब की बार फर्स्ट सेमेस्टर में साइंस का पेपर थोड़ा अगड़म बगड़म आया था तो थोड़ा ध्यान रखिएगा ठीक है फोकस्ड कर लीजिए इसीलिए मैं साइंस को शुरू से ले चल रही हूँ और साइंस के सिलेबस भी बड़े हैं ठीक है ध्यान में रखते हुए को हम करेंगे आप शालीन एकता साथ बने हुए हैं लाइक शेयर, सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूलें कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में आपको पिन करके मुझे डालना होगा मैं आपको रिप्लाई दे दूँगी ठीक है आज की इस क्लास में साइंस का हमारा सब्जेक्ट चल रहा है चैप्टर हमारा फर्स्ट वही है जो हमने देखा था पृथ्वी और आकाश लेकिन आज का जो तो टॉपिक है हमारा वो है तारा तारामंडल नवतारा और ध्रुव तारा हमको यहाँ पे चार मेजर फैक्टर्स को पढ़ना है बहुत आसान तरीके से मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगी और पेपर में क्वेश्चन आएगा ठीक है ध्यान रखिएगा ऑब्जेक्टिव में थोड़ा तो ज़्यादा बनता है इस टॉपिक से प्रश्न ठीक है चलिए आगे चलते हैं जो भी लोग नए हैं उनका बहुत स्वागत है नए हैं आप सब आप सभी को कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट में पिन करके डाल दीजिएगा मैं आपको बता दूंगी टाइमिंग तमाम चीज़ें आप पूछते रहते हैं वगैरह वगैरह और टेलीग्राम को ज्वाइन करिए लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन करके मिलेगा पुराने वीडियोस पड़े किसी वीडियो से आप ज्वाइन कर लीजिए आपको लिंक मिल जाएगा ठीक है आगे चलते हैं देखते हैं क्या है टॉपिक सबसे पहले हम बात करते हैं तारा तारा आप जानते हैं ठीक है आप तारा देखते भी हैं क्यों देखते हैं ना आप तारे को हम इंग्लिश में स्टार कहते हैं ये आप सभी जानते हैं चलिए जानते हैं तारे के बारे में क्या बातें कही गई हैं तारा अंतरिक्ष में तारा अंतरिक्ष में चमकता हुआ बहुत बड़ा खगोली पिंड है क्या बात कही जा रही बहुत आराम से करेंगे ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो कहा जा रहा है कि तारा अंतरिक्ष में चमकता हुआ साइन करता हुआ साइन करता हुआ एक बहुत बड़ा खगोली पिंड है एक सेलेस्टियल बॉडी है जिसके चारों ओर ग्रह और, और उपग्रह परिक्रमा करते हैं तारा एक ऐसी खगोली पिंड है एक ऐसा एक ऐसा खगोली पिंड है जिसके चारों तरफ ग्रह प्लानट उपग्रह सैटेलाइट परिक्रमा करते हैं ये आकार में काफ़ी बड़े होते हैं कौन तारे और ग्रहों को गर्मी और प्रकाश प्रदान करते हैं एक तो इनका आकार बड़ा होता है लार्ज साइज के होते हैं और ग्रहों को यानी कि प्लानट को ये गर्मी देते हैं उन्हें हीट देते हैं उन्हें ऊर्जा देते हैं उन्हें लाइट प्रदान करते हैं कौन तारा किसको ग्रह को स्टार प्लानट्स को समझ में आई बात फिर देखिए तारा एक खगोली पिंड है जिसमें प्लाज्मा का एक चमकदार गोलाकार होता है जो अपने स्वयं के ग्रेविटेशनल के फोर्स द्वारा स्थिर रहता है तारा क्या है एक खगोली पिंड है जिसमें प्लाज्मा की एक चमकदार लेयर है जो उसको गोल शेप प्रोवाइड कर रही है और वह खुद ग्रेविटेशनल गुरुत्वाकर्षण के कारण स्थिर है क्या है स्टेबल है समझ में आ रही है बात समझ में आ रही आप तारे के बारे में आपसे पूछा जाता है वो डे मीन बाय स्टार आप तारे से क्या समझते हैं तारे का अभिप्राय दीजिए तो आप बताएँगे ये एक ऐसा खगोली पिंड होता है जिसमें खुद की ऊष्मा खुद का प्रकाश होता है ठीक है जिसके चारों ओर ग्रह उपग्रह परिक्रमा करते हैं आप ऐसे दो लाइन का आंसर उचित तरीके से लिख सकते हैं और आपको एग्जामर आएगा तो पूछने के लिए आप बता सकते हैं कोई प्रॉब्लम किसी को चले आगे चले अब आप आपको कुछ चीज़ें और दिखाती हूँ पहले देख लेते कुछ बातें और हैं पृथ्वी का निकटतम तारा सूर्य है पृथ्वी दैट मीन अर्थ उसके सबसे क्लोजेस्ट जो स्टार है वो है सूर्य यानी कि सन सूर्य दादा हमारे जो रोज अर्ली इन द मॉर्निंग छः बजे निकलते हैं गर्मी के टाइम पर ठीक है कई अन्य तारे रात में नग्न नग्न यानी कि नकेट आई जो हमारी ये नग्न आई है जिसे हम देख सकते हैं आंखों से दिखाई देते हैं किंतु पृथ्वी से इनकी अत्यधिक दूरी के कारण ये आकाश में बिंदु के रूप में दिखाए रात होती है एक तरफ चंदा मामा रहते हैं चांद एक तरफ छोटे छोटे एक तो पूरे आसमान में देखे तो छोटे छोटे तारे दिखते रहते हैं ठीक है तो यही बात कही जा रही है कि निकटतम तारा पृथ्वी से जो है वो सूर्य है एक बात दूसरी बात कई अन्य तारे जो अदर तारे हैं वो रात में आप नेकेड आई से उनको देखते हैं लेकिन पृथ्वी से वो इतनी ज़्यादा डिस्टेंस पर होते हैं कि वो आपको ऐसा लगता है कि एक बूंद रखी हुई है एक बूंद है जो साइन कर रही है एक बूंद है जो चमचमाहट दे रही है ठीक है ये होते हैं तारे अब देखिए कुछ तारे मैं आपको आब दिन में दिखा दूँ ये देखिए ये पूरा एक डायग्राम है जहाँ पर सारे टिम 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 टम टिम टिम आ रहे हैं ठीक है दिख रहा है कभी बढ़िया लगता है कभी देखिए तो ये चीज़ें वाकई में बहुत ही खूबसूरत लगती हैं चले आगे चले देखते हैं कुछ चीज़ें और हैं एक बार थोड़ा सा और देख लेते हैं कि कैसे बनते हैं तारे ठीक है हल्का सा बहुत थोड़ा सा मैंने लिया है फ़िलहाल आएगा नहीं बस बस ऐसे ही देख लेते हैं तारे गैस और धूल के जो कर्ण होते हैं जो धूल है वो बादलों के इसमें धूल हाइड्रोजन गैस हीलियम गैस और अन आयनकृत प्लाज्मा गैसे उपस्थित तो होती है मतलब पूरे एक प्रकार से कह सकते हैं कि धूल ठीक है डस्ट पार्टिकल्स हाइड्रोजन गैस हीलियम गैस आयनाइज गैस प्लाज्मा ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं में पैदा होते हैं जिन्हें नेबुला कहा जाता है हमारा सूर्य और सौरमंडल एक नेबुला से बना है याद रखिएगा कि जो हमारा अशोर एक स्टार है वो और शौर्यमंडल जो एक पूरा सोलर सिस्टम है ये सब एक जो है सारी चीज़ें क्या है एक नेबुला से बनी हुई है और नेबुला जो होता है वो धूल हाइड्रोजन गैस हीलियम का इन सबसे मिलकर बने नेबुला का वर्ड थोड़ा ध्यान रखिएगा ठीक है कभी ब्रीफ में कोई चीज़ आएगी तो मैं आपको जब हम लोग तैयारी करेंगे टेट सुपर टेट वगैरह की सी टेट की तो मैं आपको उस चीज़ें कुछ कुछ शॉर्ट नहीं तो फिलहाल मैंने बस ऐसे ही बता दिया कि ध्यान रखिए थोड़ा सा ठीक है चले आगे अब बात आ जाती है तारामंडल की एक टॉपिक तारा क्लियर हो गया दूसरा टॉपिक है तारामंडल जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं कॉन्स्टलेशन क्या कहते हैं कॉन्स्टलेशन ठीक है चलिए आगे चलते हैं इंग्लिश मीनिंग इसलिए बता देती हूँ कि बहुत सारे बच्चे जो है जो इंग्लिश बैकग्राउंड के उनको प्रॉब्लम ना हो ठीक है हम तारामंडल के बारे में क्या कह सकते हैं यह समझते हैं तारामंडल आकाश में दिखाई देने वाले तारों के किसी समूह को कहते हैं तारामंडल किसको कहते हैं जो आकाश में दिखाई देने वाले तारों का एक सेट ऑफ कलेक्शन होता है समूह होता है ग्रुप्स होता है उसको हम तारा मंडल कहते हैं ठीक है चलिए देखते हैं ये है आप देखिए ये सप्तऋषि तो कहा जाता है कुछ ना चार ये और तीन ये दिख रहा है आपको ये इनके सबके अलग अलग नाम भी होते हैं ये है तारा मंडल ठीक है समझ में आ रही है बात जो बुद्ध बुद्ध ग्रह और ग्रह वगैरह की जो बात होती है वो तो दूसरी चीज़ है बहुत सारी चीज़ें इनके अलग अलग नाम होते हैं इनका भी अपना एक रोल होता है ये अलग अलग चीज़ें बताते वगैरह हैं थोड़ा कम हमारे सिलेबस में है बस आपको दिया है तारा मंडल तो आपको तारा मंडल से क्या बात है वो आपको जाननी है ठीक है आप देखिए इनके बारे में यहाँ पर है तारा मंडल को संस्कृत में नक्षत्र कहते हैं हाँ ठीक है क्या कहते हैं संस्कृत में इसको हम नक्षत्र कहते हैं और विभिन्न भारतीय भाषाओं में इसके लिए आज भी यह शब्द प्रयोग होता है कि ये तारामंडल जो है ये नक्षत्र की बात की सात नक्षत्र हैं ठीक है तारामंडल को अंग्रेजी में कॉन्सलेशन कहते हैं और अरबी में मजमुआ अल नजूम क्या कहते हैं मजमुआ अल नजूम अरबी में कहते हैं इंग्लिश में कॉन्सुलेशन कहते हैं ध्यान रखी ठीक है ठीके? ये बात तो आपकी बुक में दी हुई थी आगे चलते हैं अट्ठाईस तारामंडल ये तीन ये अट्ठाईस की बात थोड़ी यहाँ इसलिए की गई ये नंबर ध्यान रखिएगा कि अट्ठाईस मंडल नक्षत्र का उपयोग तो हमारे पंडित जो पंचांग देखते हैं देखते हैं ना कि कोई शुभ मुहूर्त है गृह प्रवेश का है या कुछ भी करवाना है तो पंचांग देखा जाता है तो पंडित जी देखते हैं तो मुहूर्त बताते हैं तो वो सब में इनका बहुत अच्छा रोल रहता है ये जो नक्षत्र रहते हैं ठीक है कुंडली जो वगैरह जो बनती है कुंडली जो बुलाई जाती है ना शादी उदी के टाइम पर तो वो वो सब्जी इन्हीं सब से मिलाया जाता है ठीक है त्यौहार कब कौन सा पड़ रहा है जैसे होता है बहुत सारे त्यौहार में जिसमें चांद का कुछ पूजा वगैरह होता है तो टाइम फिक्स है ना इतने बजे में निकलेगा या नवरात्रि आती तो जब लास्ट में खाना वगैरह खाते हैं तो होता है ना कि टाइम का होता है तो टाइम वगैरह का भी बहुत थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है दिवाली की पूजा के टाइम पे टाइम का होता है मुहूर्त वग़ैरह शादी विवाह का बहुत सारी चीज़ों का तो ये सारी चीज़ें जितनी होती जो होता है ना कि जो लोग विश्वास नहीं करते हैं बहुत सारे लोग बिलीव नहीं करते हैं कि इतने बजे निकलना है तमाम चीज़ें करनी वगैरह वगैरह लोग तो ये सारी चीज़ें जितने भी होती हैं जो पंडितों का पूरा सब रहता है सब तो इन्हीं से होता है इनका भी तो एक वो कहाँ से लोग जान पाते हैं तो यही एक पंचांग पर होती है जिसमें पत्रकार से सारी चीज़ें जान पाते हैं समझा पाते बताते हैं ठीक है बिलीव करना चाहिए ऐसा नहीं कि हमेशा नेग्लेक्ट करना चाहिए ठीक है कुछ ही हद तक नेग्लेक्ट करिए अदरवाइज़ अगर कर सकते हैं तो बिलीव क्या करिए चलिए आगे चलते हैं देखिए मैंने आपको तारामंडल के बारे में ज़्यादा बातें बताई नहीं क्योंकि तारामंडल सिर्फ जो है ये सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ स्टार होता है ठीक है पूरे तारों के समूह को हम तारामंडल कहते हैं अब आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि इनका नाम क्या है और जो मेन बात ये दी तारामल से एक लाइन का प्रश्न आपको हो सकता है आज अदरवाइज नहीं आएगा बहुत बड़ा कोई टॉपिक नहीं है बस आपके स्लैबस में है इसलिए करवाना मेरा मोटिव है ठीक है अब बात आती है ध्रुव तारा पोल पोल स्टार या पोल स्टार भी कहते हैं इसको ठीक है अब ये भी एक प्रश्न आपके क्या आ सकता है यह ध्यान रखिए ये आपको ध्रुव तारा देखिए मैं आपको दिखा दे कितना साइन करता है ना ध्रुव तारा सबसे ज़्यादा चमकने वाला तारा होता है ठीक है अब चलते हैं इनके बारे में देखते हैं ध्रुव तारे को अंग्रेजी में पोलरिस स्टार कहते हैं क्या कहते हैं पोलरस स्टार कहते हैं या पोल स्टार कहते हैं या नॉर्थ स्टार कहते हैं या लोअर स्टार भी कहते हैं ठीक है ध्यान रखिएगा कई सारे नाम आपके ध्रुव तारे के होते हैं यह पृथ्वी से लगभग चार वर्ष प्रकाश की दूरी पर है कहीं कहीं आपको तीन सौ पंचानवे तीन सौ चौरानवे भी देखने को मिलेगा ठीक है ऐसा देखने को अप्रॉक्स जो डिस्टेंस है वो मिल जाती है ठीक है तो यह पृथ्वी से अर्थ से लगभग चार प्रकाश वर्ष की दूरी पर है ठीक है हालांकि पृथ्वी से यह एक तारा लगता है अगर हम अर्थ से देखते हैं तो हमको एक तारा के समान ही लगता है वास्तव में ये बहुत बो, बहुत मंडल है वास्तव में पोल स्टार की जो ध्रुव तारा है ये बहुत सारे बहुतारा मंडल है बहुत सारे तारे इसके अंडर में है इसके साथ हैं मतलब कई तारों का समूह बहुतारा का मतलब क्या है कि बहुत सारे तारों का समूह है बहुत तारे का, तार का स्टार का सेट ऑफ कलेक्शन है ठीक है आगे चले हमें एक ही दिखाई दे रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा दूरी पर है ब्रह्मांड में स्थित एक ऐसा तारा पूरे यूनिवर्स में स्थित एक ऐसा तारा एक ऐसा स्टार जो सदैव उत्तर की ओर इंगित जो हमेशा नॉर्थ के डायरेक्शन में इंगित करता है इंडिकेट करता है उत्तरी गोलार्ध में नॉर्थन एमोस्फियर से या प्रत्येक स्थान से उत्तर दिशा में दिखाई हमेशा ये हमेशा कभी भी होता है तो उत्तर का तारा पोलर स्टार को कहा जाता है ध्रुव तारे को कहा जाता है ये हमेशा उत्तर की दिशा में ही दिखाई देता है इस बात को हम सभी जानते हैं पहले भी हमें बताया गया है ठीक है बहुत सारी चीज़ें ना हमें हमारे पेरेंट्स बताया करते हैं देखिए आपका ध्रुव तारे का भी टॉपिक हो गया कुछ नहीं है नवतारा क्या है यह समझते हैं बहुत सिंपल तरीके से साधारण तरीके से बता रही हूँ कोई दिक्कत नहीं है बहुत बेसिक बेसिक प्रश्न आएगा सिलेबस में है इसीलिए मैं करवा रही हूँ ठीक है जो मेन चीज़ें हैं जिससे बहुत प्रश्न आएंगे जिससे बहुत दिक्कत होगी वो मैं आपको बहुत ब्रीफ में बताऊँगी ठीक है चलिए देखते हैं नवतारा नवतारा को इंग्लिश में नोवा कहते हैं क्या कहते हैं नोवा नोवा उस तारे को कहते हैं जो एक चमक उठती है अचानक क्या होता है कभी कभी ऐसा होता है कि एक सडनली से एक चमक निकलती है एक शाइन निकलती है और पुनः धीरे धीरे अपने पहले जैसे धूमिल अथवा अदृश्य दशाएं पहुँच जाता है कभी कभी ऐसा होता है कि एक सडनली से देखा जाए तो एक बहुत बड़ी सी चमक निकलती है बहुत ज़्यादा तेज़ी से और फिर वो धीरे धीरे धूमिल होके अदृश्य हो जाती है हटने लगती है ऐसे तारे को कभी कभी अस्थाई तारा भी कहते थे बहुत सारे तारे होते कभी देखिए ध्यान से देखिए तो कोई तारा बहुत तेजी साइन करेगा ठीक है फिर वो धीरे धीरे उसका प्रकाश उसका टिमटमाना वो ब्लिंकनेस उसकी कम हो जाती है तो उसको क्या कहते हैं अस्थाई तारा कहते हैं ठीक है ध्यान से बातों को सुनिए कि मैं आपको क्या समझा रही हूँ नवतारे की चमक बहुत तेजी से बढ़ती है नवतारा एक ऐसा तारा होता है जिसकी शाइन जो है वो आप देखेंगे देखते रहेंगे बहुत तेज़ी से बढ़ेगी यहाँ तक कि दो तीन दिन में अथवा इससे भी कम समय में कई हज़ार गुना इसकी जो है चमक है वो बढ़ जाती है लेकिन चमक के घटने में भी काफ़ी समय लगता है इतना कि दो दस से बीस साल भी लग जाते हैं और इसकी चमक धीरे 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 करके घटने लगती है तारे की ठीक है जिसको हम नोवा कहते हैं किसी किसी तारे में नौ तारे के लक्षण को जितने भी होते हैं यहाँ पर बात कही जा रही है किसी तारे में नौ तारे के लक्षण सदैव पाए जाते हैं कोई जो एक भी तारा है जो एक सिंगल भी स्टार उसके अंदर भी नव तारा होने की खूबी पाई जाती है ठीक है लेकिन सभी होते नहीं है ठीक है ऐसे तारे को हम स्थाई तारा स्थाई नव तारा कहते हैं और ऐसे तारे का अच्छा उदाहरण आप जाएँगे तो पी सिगनी क्या है पी सिग्नी है ये एक अच्छा नाम है नवतारे का आप एग्जाम्पल के तौर पर ध्यान रख सकते हैं अगर आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ जाएगा तो इसीलिए मैंने आपको ये चीज़ करवाई ठीक है यहाँ पे फिर बात कही गई है कोई कोई नवतारा प्लस फुटन जब वो फूट मतलब फूटना फूटने का मतलब क्या है कि जब वो दिखता है खूब बड़े उसमें तेज़ी से चमक उठती है इस समय इतना चमकदार हो जाता है कि वह जिस आगाश गंगा में जिस भी गैलेक्सी में वो रहता है स्थित होता है उसकी संपूर्ण चमक का मुकाबला करने लगता है ऐसे नवतारे को अधिन अधिनारा कहते हैं क्या कहते हैं अधिनवतारा यानी कि सुपरनोवा कहते हैं अधि नवतारा कहते हैं यानी कि सुपरनोवा कहते हैं क्योंकि इसकी चमक इतनी तेज से फैलती इतनी तेज़ उसमें से ब्राइटनेस होने लगती है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं ठीक है ठीके? तो वही चीज है जिस गैलेक्सी में रहकर एकदम चमचमा हट कर देता है उसको हम कहते हैं नव तारा ठीक है नवतारा क्या होता है एक ऐसा तारा होता है जिसमें बहुत तेजी से अचानक से एक चमक उठती है जो पूरे आकाशगंगा में फैल जाती है उसकी चमक उसकी चमक के मुकाबले कोई और चमक वहाँ पर नहीं होती है और यह तारा फिर धीरे धीरे करके अपनी जो उसकी चमचमााहट है वो अदृश्य होने लगती है वो घटने लगती है घटने में ये मान के चलिए कि दस से बीस वर्ष का समय भी लग जाता है ठीक है समझ में आई बात क्या है नवतारा नवतारे को इंग्लिश में नोवा कहते हैं चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ ये देखिए कभी देखा है आई थिंक uh, मैंने एक दो बार देखा था ठीक है मैं पढ़ रही थी तब मैंने थोड़ा गूगल कर लिया था मेरी आदत है कि मैं गूगल कर लेती हूँ ठीक है हमेशा आप लोगों को भिकल है आप देख रहे हैं ये आपका गैलेक्सी समथिंग जो भी है ठीक है ये रहा ये छोटे छोटे तारे पहले से रहे ये देखिए ये क्या चमचमााहट हाँ है वाह सो ब्यूटिफुल देखिए क्या शाइन है इसकी दिख रहा है आपको क्या मतलब बीच में ऐसा है ऐसा है कुछ सीन कभी सनेरी अगर देखने को मिले तो वाकई बहुत ही लाजवाब बहुत ही सुंदर दृश्य है तो वही ये सारी चीजें आपको यहाँ पर दिखाई जा रही है ये देखिए इसका नवतारा का यही बात बताई जा रही है कि बहुत तेज एकदम प्रदीप्त होगा एकदम चमचमाहट के साथ फिर उसके बाद जो है ये धीरे धीरे करके ढलने लगेगा इसकी जो चमचमाहट है वो कम होने लगेगी ठीक है समझ में आई बात क्लियर है आज की यह क्लास यहीं तक मैंने आपसे जो टू पर टॉपिक बताया हुआ था कि मैं आपको आज क्या क्या बताने जा रही हूँ क्या समझाने जा रही हूँ तो मैंने आपको तारा तारा मंडल नवतारा ध्रुव तारा, तारा चारों तारे मैंने बता दिए ठीक है आज साइंस की हमारी ये तीसरी क्लास थी पहले चैप्टर की तीसरी क्लास थी अभी जहाँ तक उम्मीद है मुझे कि दो क्लास इसमें और बनेगी फोर्थ और फिफ्थ क्लास या तो एक ही क्लास देख पा देख लूँगी मैं जो भी रहेगा आपको फिर मैं उसमें जो है इसका जो भी और चीज़ें बची हुई हैं भी पुच्छल तारे बचे हुए हैं और गैलेक्सी उसमें ग्रहण का बचा हुआ काफ़ी टॉपिक है वो मैं आपको अच्छे से करवाऊंगी ध्यान रखिएगा कोई दिक्कत की बात नहीं बहुत समय सब आराम से करेंगे ठीक है कल हम नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे मुझे उम्मीद है कि आपको क्लास पसंद आएगी अच्छा लगा होगा समझ में आया होगा मैं डायग्राम के साथ दिखाती ताकि आपको थोड़ा इंटरेक्ट कर सकें आप आपको समझ में और अच्छा लगे ठीक है अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ को सब्सक्राइब करिए वीडियो को लाइक करिए दोस्तों में शेयर करिए और जाते जाते कमेंट मेरे लिए करते जाइएगा कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मैं उसको अपने तरीके से जैसा भी हो उसको सोल्यूशन में तुरंत से तुरंत दूँ ठीक है चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग